Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are fine. और आप सब लोगों को पाकिस्तान की 75th जो है इंडिपेंडेंस डे वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारक हो सब लोगों को. आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरह के स्पेशली जो है लाहौर के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं. और दूसरे शहरों में भी जाओ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन लाहौर में जो है वो कुछ जो लोगों का जज्बा है इसको सेलिब्रेट करने का वो काफ़ी ज़्यादा है. सो गाइस, इस तरह है, हमने भी जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन का जो है वो माहौल आज बनाया है घर में. और इस तरह ही जो है वो हमारा जो है वो, क्योंकि आज संडे है और संडे का ऑफिस बंद होते, इसलिए जो हमने सेलिब्रेशन जो है वो ऑफिस में वो कल ही कर ली थी. तो चलिए सबसे पहले जरा आप लोगों को दिखाते हैं ऑफिस के सेलिब्रेशन के शॉर्ट्स, और उसके बाद फिर काटते हैं हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे का जो है वो केक, वो हम बाद में कर देंगे. तो उसके पहले से जो है आपको दिखाते हैं ऑफिस के शॉर्ट्स. प्लीज गाइस टेक ऑन विद मी बिकॉज अभी विमर्शक के साथ शॉर्ट्स बाकी है. कैसे लगे आप लोगों को शॉर्ट्स मेरे ऑफिस के अंदर? ये तो थी सेलिब्रेशन जो कि हमने ऑफिस में की, और छोटी सी सेलिब्रेशन थी और बड़ा मज़ा आया. हमारे कंपनी के ओनर और बाकी सारे जो लोग थे, मैनेजमेंट थी और बाकी सारे जो कलीग्स हैं मेरे वहाँ जो है वो सब, कुछ लोगों ने तो मतलब इंडिपेंडेंस डे के वजह से ड्रेसिंग की हुई थी, कुछ ने नहीं की हुई थी. और मैंने यही वाले कपड़े जो है जो आज पहने हुए वो मैं कल भी पहनकर गया था. तो गाइस बड़ा अच्छा लगा. और अभी जो है हम अभी चलते हैं इसके इस सेलिब्रेशन की तरफ जो कि हमने घर में प्लान की हुई है. ठीक है, तो अभी इसको 75 ही आप देख सकते हैं. अभी हम इसको कैंडल ऑन कर चलाएंगे, लिट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो है वो केक काटते हैं. लेकिन एक मैसेज जो है, सॉरी फॉर दैट, तो पैगाम जो है वो मैं ये देना चाह रहा हूँ. चलिए अभी नहीं देता, जरा हम केक काट लें इसका, और उसके बाद जो है वो फिर आपको अभी आप वीडियो आए तक जरूर देखिएगा. और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है, और मतलब एक मैसेज भी आप समझ सकते हैं उसको, और एक क्वेश्चन भी जो है वो सब लोगों से जो है वो मेरा है, और मुझे ज़रूर उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा. लेकिन उससे पहले जो है वो हम पहले केक काटते हैं, और पाकिस्तान की जो 75th जो सालगिरह है वो हम सेलिब्रेट करते हैं. थोड़ा सा है जैसे कि तो चलिए, जिससे पहले कि जो है वो उसकी जो कैंडल है वो बंद हो जाए, तो उससे पहले जो है हम इसको सबसे जल्दी से जल्दी काट लेते हैं. पाकिस्तान को बनाने से पहले जो है वो कायदे आज़म ने
14 नकाद जो है वो असेंबली में जो है वो पेश किए थे जो कारगर मजदूर, उसके बाद 14 नकाद जो है वो पेश किए गए थे, जिसको नेहरू ने भी जो है वो नेगलेक्ट भी किया था और जो भी कुछ चीज़ें उसको एक्सपोर्ट भी की थी। तो मैंने वो 14 नकाद जो है वो बड़े, जब मैं स्टडीज़ में था जब पढ़ता था, तो मुझे वो 14 नकाद मतलब फिंगर टिप्स पर याद थे और अभी भी हैं। अभी भी मैंने उसको दोबारा कुछ चीज़ देखते हुए वो 14 नकाद मैंने दोबारा जो है वो रिकॉल किए हैं, तो उसको पढ़ा उन्होंने। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ मैंने देखी है कि वो 14 नकाद मैंने बड़े गौर से पढ़े हैं, लेकिन उसमें मुझे कहीं पर भी जो है एक चीज़ जो है वो मुझे नहीं मिली, और वो ये कह पाए जो उन्होंने 200 बाजे बजाने कितने लिखा हुआ है, ए मैंने बाजे बजान दे जो बाजे लैके जी मोटरसाइकिल के पीछे ला के सिलेंसर खोल के जो है मार रोड के उत्ते फिरते हैं, ऐ कितने लिखे हुआ है। तो ये एक मेरा पैगाम है और ये मेरा क्वेश्चन भी है, तो ये आप लोगों ने भी मुझे भी बताना है और कमेंट्स करके, और आई होप के छोटा सा वीलॉग था छोटा सी आपके साथ जो है मेरी जो रूटीन लाइफ थी उसका आज मैंने कैसे सेलिब्रेट किया ऑफिस में भी और घर में भी, तो आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा और एक नई जगह पे नई चीज़ के साथ और नए इवेंट के साथ या जो भी होगा नई वीडियोग्राफी या वट एवर जो भी होगा, मुझे खुद पता नहीं होता कि नेक्स्ट वीलॉग मैंने कौन सा बनाना है। आई होप सो कि अच्छा योगा तो मिलते हैं कहीं जाएगा नहीं, और इस उम्मीद के साथ प्लीज गाइस स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज ऑफ विद उमर शेख के साथ शॉट्स, बाकी हैं मेरे दोस्त, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद।